हेलो, गुड आफ्टरनून। द वर्ड इटसेल्फ इज द डेफिनेशन। द वर्ड इज एक्शन पोटेंशियल। चेंजेस इन पोटेंशियल विच आर गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ एन एक्शन। सिंपल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था? वो पोटेंशियल जिसपे मेम्ब्रेन रेस्ट पे रहती है। नो एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, बट देयर इज सम मूवमेंट ऑफ आयंस गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन in order to maintain the negativity inside the vessel. Action potential, movement of ions happens in such a way that voltage changes are taking place and that voltage changes are leading to some kind of an action. What could that action be? That action could be, kya ho sakta hai wo action beta? हाँ, अगर वो nerve है तो कोई भी जो stimuli आया है उसको रिकॉग्नाइज करना और आगे मैसेज पास ऑन करना। अगर वो मसल है तो अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है तो एक्शन होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर कोई केमिकल स्टिमुलाई है तो किसी हार्मोन को रिलीज करना है तो वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से एक्शन, ठीक है, कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी केमिकल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पैरासिटम, व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज देयर। अब होता क्या है एक्शन पोटेंशियल में? देयर इज अ डीपोलराइजेशन फेज, then a repolarization phase. In the depolarization phase, what is happening? Lots of sodium ions are rushing inside and what is happening? अगर sodium बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा तो membrane जो negative थी resting में वो कितनी थी, कितना voltage था resting membrane का? -70 से -90 millivolt। अपन -70 बोलते हैं muscle में, ठीक है? तो -70 millivolt पे जो muscle का potential था वो सोडियम के रशन होने से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? और पॉजिटिव होएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कितना पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ, लेकिन ये होगा कब? जब स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के से इक्वल होगा। अगर उससे कम होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला पोटेंशियल बना रहेगा या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो गया वापस आरएमपी पे आ जाएगा, ठीक है? तो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से स्टिमुलस स्ट्रांग है तो आपका एक्शन पोटेंशियल +35 millivolt तक जा सकता है। अब +35 millivolt से जब वो पहुंच गया तो सोडियम चैनल तो सारे हो गए बंद और पोटेशियम चैनल ओपन होने शुरू हो गए। फॉर दैट पर्टिकुलर वेसल देयर आर मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स एंड मिलियंस ऑफ पोटेशियम चैनल्स। इन दोनों चैनल में एक बहुत मेजर फर्क ये होता है कि सोडियम चैनल जो है दे आर फास्ट चैनल, पोटेशियम चैनल आर स्लो चैनल। तो वो स्लोली ओपन होते हैं एंड स्लोली क्लोज होते हैं। सोडियम जल्दी ओपन होगा, जल्दी क्लोज होगा। तो जैसे स्टिमुलस आया, सोडियम ओपन हुआ, चैनल ओपन हुआ क्योंकि वो फास्ट चैनल है। तो सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आया, डीपोलराइज कर दिया और फास्टली वो बंद हो गया। +35 पर सैचुरेट होके वो बंद हो गया। उस टाइम पे पोटेशियम धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो गया तो पोटेशियम रशन करेगा, वापस नेगेटिविटी की तरफ हो जाएगी। अब क्योंकि पोटेशियम चैनल एक स्लो चैनल है तो वो बंद होने में टाइम लेगा, इसलिए कौन सा फेज क्रिएट हुआ? हाइपर रिपोलराइजेशन। समझ आ गए? डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर रिपोलराइजेशन। व्हाई इज दिस हाइपर रिपोलराइजेशन फेज हैपनिंग? बिकॉज द पोटेशियम चैनल आर स्लो चैनल, दे विल क्लोज स्लोली, इसलिए मेम्ब्रेन -70 millivolt से भी नीचे वोल्टेज गिर जाए। क्लियर है? ठीक है, समझ जाती? और उसके बाद फिर कौन काम करता है उसको -70 पे लाने के लिए? कौन काम करेगा हाइपर रिपोलराइजेशन के बाद नॉर्मल -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने के लिए? कौन काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। वहां पे आपका रोल आ जाता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि +-4 millivolt तक चेंज करके उसको नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ले आएगा। बॉडी में फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या है? अगेन पार्ट ऑफ जनरल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में हम जस्ट जो जनरल चीजें वो स्टडी करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, सेल में होता क्या है, ये सब चीजें स्टडी करते हैं। तो अब हमने आज स्टडी करना है कि फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या है। अगर यह टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पार्ट सेलुलर होता है, पता है इस चीज का सबको, है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल
के अंदर ट्रांस सेलुलर क्या है, व्हाट इज ट्रांस सेलुलर, सेल के बाहर इज एक्स्ट्रा, सेल के अंदर इज इंट्रा, व्हाट इज ट्रांस सेलुलर, बिटवीन टू सेल्स, नहीं एक्चुअली ट्रांस सेलुलर फ्लूइड वो है जो कि स्पेसिस में प्रेजेंट है, ल्यूनस के, पेरिकार्डियल के, टेरिटोरियल के, जो कि स्पेसिस में प्रेजेंट है वो आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो आज हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि टोटल बॉडी वाटर का ग्लोबल वैल्यूज क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है वाटर गेन वाटर लॉस का कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी इन वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इज एसेंशियल फॉर होमियोस्टेसिस। बताइए हमें व्हाट इज होमियोस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर बैलेंस एंड पीएच बैलेंस, वाटर और पीएच आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए फंक्शंस ऑफ द सेल्स डिपेंड्स अपॉन फ्लूइड प्रेजेंट बोथ आउटसाइड इनसाइड, वी नो दैट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट इन क्लिनिकल मेडिसिन। ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी है, कोई भी वॉमिटिंग हुई है, डायरिया है पेशेंट को, हीट स्ट्रोक हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या होता है पेशेंट के जाते आईवी ड्रिप होकी जाती है, राइट। द फर्स्ट थिंग व्हाट इज डन एज सून एज द पेशेंट हु इज नॉट जस्ट मतलब वॉकिंग एंड कमिंग एंड कोई और रीजन से नहीं आ रहा, वीकनेस से भी आ रहा है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं ताकि उसका फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर हो जाए। ठीक है, appropriate fluid replacement and dehydration and removal of fluid in overhydration, hypervolemia and edema are mainstay of treatment in fluid volume disorder. Dehydration है तो replace करेंगे, अगर water balance में water gain हुआ हुआ है body में, मतलब edema है, ascites है, पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, edema क्या होता है, extra cellular fluid ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, what will happen in that, स्वेलिंग होगी, आई के आसपास स्वेलिंग होगी, जैसे जिस होने पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, एंकल के आसपास स्वेलिंग होगी, हम एंकल की बोन को प्रेस करके देखते हैं, जो हार्ट सर्फेस है उसके ऊपर प्रेस करके देखते हैं कि पिक बन रहा है या नहीं, इस ठीक है। तो इन दोनों चीजों में अगर तो फ्लूइड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि हमको उसको कम करना है, तो ऑब्वियसली हम उसमें से कोई पानी निकाल नहीं देते हैं, हम उसका क्या मैनेज करते हैं, कोविड टेलमी पानी तो नहीं निकालते हम, अगर कम है तो हमने आईवी फ्लूइड डाल के पानी डाल दिया है, अगर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म तो हम नहीं बढ़ा सकते, पेशेंट बीमार है हम उसको थोड़ी कहेंगे जाके बहुत बाहर। सॉल्ट कंसेंट्रेशन ठीक है, वन एस्पेक्ट ये है कि हम उसके NaCl को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सोडियम क्लोराइड को कंट्रोल करेंगे तो वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी, और क्या करते हैं, प्लाज्माफेरेसिस नहीं करते, प्लाज्माफेरेसिस तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, प्लाज्माफेरेसिस में तो बेटा अपन ने बेसिकली इट इज मोर टू गूगल द इम्यूनिटी एंटीबॉडीज एंड ऑल दैट स्टफ, है ना, तो उसको तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग ही टॉपिक हो गया। सोचो क्या करेंगे, पानी बॉडी में ज्यादा है, हमको नहीं चाहिए डायबिटिक, हम उसका वाटर लॉस बढ़ाएंगे, कैसे वाटर लॉस बढ़ाएंगे, उसका यूरिन आउटपुट ज्यादा करेंगे। देखना कभी भी अपने अगर आपके कोई घर में कार्डियक पेशेंट है या कुछ है तो उसको लैसिक्स चलती है, जैसे टैबलेट फॉर लैसिक्स जो उनको दी जाती है, टू इंक्रीज द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मेजर लॉस हमारा कहाँ से होता है, यूरिन से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायुरेटिक दे देंगे ताकि उसका फ्लूइड लॉस हो जाए और उसका प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो बॉडी फ्लूइड कंटेंट है क्या, एवरेज हमें पता है 15% फैट है, 18% प्रोटीन है, 7% मिनरल, 60% वाटर। ठीक है, द टोटल बॉडी वाटर इज परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज अबाउट 60% इन मेल अडल्ट एंड 10% मोर दैन, विच इज 10% मोर दैन द अडल्ट फीमेल। ऐसा क्यों, मेल में पानी ज्यादा क्यों है फीमेल से, सही बोला था जिससे बोला था, क्या बोला था, फीमेल में फैट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती
तो फैट टू बॉडी कॉम्पोजिशन जब हम देखते हैं तो फीमेल में फैट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली मेल में वाटर ज्यादा है, ठीक है। इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन दो टोटल बॉडी वाटर परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज मोर देन एडल्ट, एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट इज सिग्निफिकेंटली लेस, बहुत छोटी बॉडी है उतना ही पानी कम है, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी अच्छा है उसके अंदर, वाटर इज प्योर, बट एज कम्पेयर टू द बॉडी सर्फेस एरिया इट इज वेरी। इसीलिए अगर ओल्ड एज या बच्चों में वाटर लॉस होता है तो इट इज मच मोर डेंजरस एंड हैज टू बी मोर विजिलेंटली चेक आउट एज कम्पेयर टू एन अडल्ट बॉडी, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूटली वाटर जो है वो कम है, एब्सोल्यूट वाटर काउंट अपन चाहिए तो दैट इज ऑन अ लोअर लेवल। In elderly people in both the sexes, it is about 10% less. In females, CB is less than the males due to relatively greater amount of adipose tissue. ठीक है, subcutaneous fat is more in the females. Of total body water, about 2/3 is present in the intracellular, 1/3 is extracellular. मतलब cells के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है as compared to the outside the cell. ठीक है, extracellular. ये इन्होंने total body weight बताया है, just an average आपको पता होना चाहिए. ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई है 16, 20, 40, ठीक है, 40 इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर 20%, टोटल इज 60%, लीटर्स में 42 लीटर, 14 लीटर, 28, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल बॉडी वाटर 0.4 इंटू द बॉडी वेट, अगर इंटरसेलुलर करना है सॉरी टोटल बॉडी 0.6 इंटू बॉडी वेट, इंटरसेलुलर 0.4, एक्स्ट्रा सेलुलर 0.2 इंटू द बॉडी, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेटर फॉर्मूला है कि जितना आपका वेट है उसको आप 0.6 या 0.4 या 0.2 जैसे भी जो भी कंपार्टमेंट का कैलकुलेट करता है वो आप कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिपेंड ऑन वाटर बैलेंस, सबको पता है कि हमने रेगुलेशन इसकी स्टडी करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस इज कि वाटर गेन और वाटर लॉस का बैलेंस बना रहे, जितना पानी हम ले रहे हैं और जितना पानी हमारी बॉडी में से निकल रहा है उसका बैलेंस बना रहे, मतलब दिस इज वाटर राइट। तो गेन करने के क्या तरीके हैं, पिएंगे, खाएंगे, खाने के साथ आएगा और कहीं से भी आता, और कहीं से भी आता था, जो हम पी रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं उसी से पानी आएगा, ठीक है। सो बॉडी गेन्स इज फ्रॉम एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस, एंडोजेनस कौन सा हो गया था? कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें वाटर बनता है, क्रेब्स साइकिल हो गया, कोई भी साइकिल हो गया, पानी बनी जा रहा है साथ साथ में, सो व्हाट एवर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन इनसाइड द सेल्स वाटर इज बीइंग फॉर्म, ठीक है। जहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है उन्होंने मिलकर पानी बनाना ही बनाना है, तो दैट इज एंडोजिनस, ठीक है। बहुत कम होता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, मेनली वी डिपेंड ऑन द एक्सोजेनस सोर्स, बट एवरी मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एवरी मेटाबॉलिज्म वाटर इज बीइंग फॉर्म। So exogenous occurs mainly by two processes, we can drink it or we can ingest it with the food. The exogenous water intake normally ranges from 2 to 10 liters. कितना लेना चाहिए पानी हमें, कितना पानी पीना चाहिए, इतना तो नेट पे पानी पानी पियो, कितना पानी पियो, 5 liters या 8 liters? 8 liters you must drink in a day, ठीक है, which is approximately 8 glasses or 10 glasses I guess. So drinking of water is a major form of water gain. It ranges from 0.5 to 8 liters depending mainly upon the environmental conditions. Obviously, agar garmi hai to zyada piyenge. Water intake is mainly controlled by thirst centers in the brain. Kaha hai ye thirst centers? They are present in the hypothalamus. ठीक है? So hypothalamus के thirst center जो है ये activate होते हैं जब water loss ज्यादा हो जाए. And then they make us thirsty and we have to have something. ठीक है? इंजेक्शन ऑफ वाटर इन द फूड 1 to 5 लीटर्स, सब फ्रूट वेजिटेबल सब में होता है। एंडोजेनस वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, अदर प्रोडक्ट्स आर एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइज इन टेम्परेचर। जब भी मेटाबॉलिज्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, एटीपी भी बनेगा और पानी भी बनेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टिश्यू ऑक्सीडेशन वाटर इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन द बॉडी, इट अकाउंट फॉर 300 to 500 एम, ठीक है। पीने से 8 लीटर आ रहा है, खाने से 1-2 लीटर आ रहा है और एंडोजेनस सोर्स से 500 ml तक पानी आ रहा है। सो मेनली वी आर डिपेंडिंग ऑन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कंटीन्यूअसली। इट डोंट स्लीप, वेक अप,
आई नो दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट वेरी यू नो, बट फिर भी उठ जाओ. वाटर लॉस हमें पता ही है कहाँ कहाँ से होगा, यूरिन से होगा, फीसेस से होगा एंड स्किन से इवेपोरेशन करके होगा. ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, यूरिन में. कितना हो जाता है, स्किन वाइज कंसंट्रेट लॉस ऑफ यूरिन, यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर इज अ मेजर फॉर्म ऑफ वाटर आउटपुट. 1 लीटर इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, 500 ml से लेके 1 लीटर तक हमारा यूरिन रोज का बनता है. किडनीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर बैलेंस. किडनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर बैलेंस बाय ऑल्टरिंग द वाटर सिचुएशन इन यूरिन विच इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द एडीएच. एडीएच पढ़ा हुआ है सबने, एंटी डायुरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है लास्ट लेवल ऑफ द किडनी पे. ठीक है, नेफ्रॉन का जो लास्ट लेवल, जो कलेक्टिंग डस्ट वाला लेवल होता है, वहां पे जाके ऑस्मोरिसेप्टर्स बताते हैं कि इतना पानी हमें नहीं लूज करना है. और लास्ट कलेक्टिंग डस्ट के लेवल पे जाके एडीएच काम करता है ऑस्मोरिसेप्टर्स के थ्रू वाटर रीअब्सॉर्ब इनटू द बॉडी एंड जितना जरूरी है उतना ही एक्सक्रीट होता है. ठीक है, फीकल लॉस अबाउट 200 ml ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर डे इन द फीसेस. अगर डायरिया है तो ये अप टू 1 लीटर चला जाता है. स्वेट डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, इनसेंसिबल स्किन सरफेस से थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता है. ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, बहुत क्लियर कट है. पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कि पानी का गेन ज्यादा हो रहा है और लॉस ज्यादा हो रहा है. तो पॉजिटिव वाटर बैलेंस हो गया, पानी अंदर स्टे कर रहा है. और वाटर लॉस का मतलब क्या हो गया, कि लॉस ज्यादा हो रहा है, पेशेंट इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड. अगर वाटर गेन हो रहा है तो पेशेंट इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड और ओवर हाइड्रेटेड. ठीक है, अब उसमें क्या होगा, पॉजिटिव में हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, देखो डिक्रीजेस इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा, डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट एंड हाइपोनेट्रेमिया. नाउ सी, अगर पानी बढ़ गया है तो आरबीसी काउंट जो है एपरेंटली डिक्रीज होगा, इट इज नॉट एक्चुअल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट. अंडरस्टैंडिंग, आरबीसी काउंट को क्या होना, जितना है वो 5 मिलियन जो भी है वो तो उतना रहना ही है, पानी आए कम आए ज्यादा आए, लेकिन डाइल्यूशन होने के कारण एपरेंटली इट अपीयर्स दैट आरबीसी काउंट हैज डिक्रीज. ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आरबीसी काउंट कम आता है. पेशेंट एनीमिक नहीं होता लेकिन हीमोग्लोबिन भी कम आता है, आरबीसी काउंट भी कम आता है, कंडीशन इज नेचुरल. ब्लड लॉस इज नॉट नेचुरल, इज नॉट फिजियोलॉजिकल, दैट इज पैथोलॉजिकल. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन. मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल. हाई एल्टीट्यूड नहीं, हाई एल्टीट्यूड में हीमो कंसेंट्रेशन होती है, ऑक्सीजन लेवल कम है ना हाई एल्टीट्यूड पे, तो आरबीसी को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन कंपनसेट हो पाए. थैलेसीमिया इज नॉट फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिससे हीमोडायलिसिस होती है. प्रेगनेंसी में होती है, प्रेगनेंसी में नहीं पता क्या, चौथे पांचवें महीने में हम लोग क्यों देना शुरू हो जाते हैं आयरन, वाई आर वी गिविंग द आयरन टैबलेट्स, दैट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो ना हो. प्लस ऑलरेडी जो पेशेंट जिसका 11 हीमोग्लोबिन है उसका 4 से 6 मंथ तक हीमोडायलिसिस हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन 9 पहुंच जाएगा. सो वी आर ट्राइंग टू स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द आरबीसी सो दैट ये हीमोडायलिसिस का इफेक्ट जो है वो कम. Hemodilution happens to pregnancy. It's a natural physiological condition. Okay? But that is apparent. Actually, female is not anemic. Female is not, matlab, you know, jitna usse chahiye, utna uski body mein hai. Lekin apparently, hemodilution hone ke karan wo anemic hogi. So we don't want ki ye cheez usko suffer kare, isliye prophylactically we give iron.
आयरन इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. इफ द पेशेंट इज गेटिंग अ वेरी गुड डाइट एंड ऑलरेडी अगर उसका 16-17 हीमोग्लोबिन है, वी कैन अवॉइड द आयरन ऑल्सो इफ इट्स नॉट सूटिंग हर. यू नो आयरन टैबलेट से कई बार बहुत ज्यादा किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया मोस्टली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो कुछ लोगों को हम बिना आयरन दिए भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी लीड करवा सकते हैं बिकॉज उसमें जो भी डाइल्यूशन होता है दैट इज एपरेंटली डाइल्यूशन. ठीक है, ये चीज है कि ये जो इसने कह दिया डिक्रीज आरबीसी काउंट, ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये एपरेंटली डिक्रीज हो रहा है. हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया तो हो जाएगा, पानी अंदर ज्यादा होगा तो सोडियम कम हो जाएगा. नेगेटिव वाटर बैलेंस, डिहाइड्रेशन, ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हीमोकंसेंट्रेशन, देर इज रिलेटिव इंक्रीज इन आरबीसी. ये इसने सही लिखा है, रिलेटिव इंक्रीज, इट्स एन एपरेंट इंक्रीज, इट्स नॉट अ एक्चुअल. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वाटर बैलेंस, सबसे पहले ऑस्मोलैलिटी. ऑब्वियसली ऑस्मोलैलिटी के चेंज को कौन डिटेक्ट करेगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स. ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ इंफॉर्मेशन भेजेंगे? टू द सेंटर विच इज द हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन कौन आया है? अब सोचो अपन ने वो पूरा पढ़ा था ना कि वन इज अ सेंसर. तो सेंसर यहाँ पे कौन से हुए? ऑस्मोरिसेप्टर्स. सेंट्रल जो कंट्रोलिंग ऑर्गन है वो कौन सा हुआ अपना? हाइपोथैलेमस ब्रेन का. एंड द इफेक्टर ऑर्गन इज द किडनी. किडनी जिससे वाटर बैलेंस को मेंटेन करना है कि इतना पानी मुझे रखना है, इतना नहीं रखना. ठीक है, थ्रू द एडीएच. सो इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी इज अ प्राइमरी स्टिमुलस फॉर एडीएच सिक्रीशन. ठीक है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी पता ही है हमें, सोडियम क्लोराइड, प्रोटीन एंड ग्लूकोज इफेक्ट करेंगे के ऑस्मोलैलिटी किडनी. ब्लड वॉल्यूम ऑल्टरेशन इन ब्लड वॉल्यूम इज डिटेक्टेड बाय वॉल्यूम रिसेप्टर इन एट्रिया दैट सेंड इंपल्सेस टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी टू सीक्रेट एडीएच. ऑस्मोरिसेप्टर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी में? जैसे तो आप पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे. ठीक है, बट ऑस्मोरिसेप्टर्स आर नॉट जस्ट प्रेजेंट इन द किडनी, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द एट्रिया. अब एट्रिया जो है ना हमारा वो लो प्रेशर सिस्टम है. हार्ट में हमें पता ही है दो एट्रिया दो वेंट्रिकल है. जो एट्रियल साइड है और पल्मोनरी साइड है ना वो लो प्रेशर सिस्टम है. तो जहां लो प्रेशर सिस्टम रहेगा वहां पे ये रिसेप्टर्स एक्टिव रहेंगे. वेंट्रिकल हाई प्रेशर क्यों? एट्रिया का काम क्या है? इट इज जस्ट रिसीविंग द ब्लड. ठीक है ना, इट इज जस्ट रिसीविंग द ब्लड एंड सेंडिंग टू वेंट्रिकल, इट इज नॉट सेंडिंग इट एनीवेयर. अगर और भी कहीं भेजना है तो ज्यादा का पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो बिल्कुल पास में, देयर इज नो डिफरेंस. द वेंट्रिकल इज हाई प्रेशर बिकॉज इट हैज टू सेंड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, इवन टू द पेरिफेरी इट हैज टू गो. सो वेंट्रिकल ऑलवेज हाई प्रेशर सिस्टम रहेगा, एट्रिया एंड पल्मोनरी सिस्टम विल ऑलवेज बी लो प्रेशर सिस्टम. तो जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है हाई प्रेशर में तो आप जज नहीं कर सकते हो कि ऑस्मोलैलिटी कितनी हो गई कितनी नहीं हुई. ठीक है ना, तो प्रेशर इतना हाई है तो वहां से तो फटाफट धक 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 करके ब्लड निकलेगा. जहां लो प्रेशर सिस्टम है, स्लो फीलिंग हो रही है, वहां पे ये जज कर सकते हैं कि हाँ ऑस्मोलैलिटी ब्लड की नॉर्मल नहीं है, अपन इंफॉर्मेशन भेजें. ठीक है, तो ऑस्मोसेप्टिस विल बी प्रेजेंट इन द एट्रिया. ये इतनी इंफॉर्मेशन इसलिए कि तुम्हें याद रह जाए कि एट्रिया है वेंट्रिकल. ठीक है, क्या ऐसे सिर्फ सिंपल आंसर ना दो लेमन लैंग्वेज की तरह के हार्ट में है? हार्ट में नहीं. ठीक है, तो एट्रिया से कई इंपल्सेस हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में और फिर एडीएच सीक्रीट हुआ और वाटर को बैलेंस कर. बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम सेंसर्स, वॉल्यूम सेंसर्स और ईसीवी सेंसर्स आर वॉल्यूम रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द वैस्कुलर ट्री दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेच ऑफ द वेसल वॉल. टू कैटेगरीज, लो प्रेशर बैरोसेप्टर्स, हाई प्रेशर बैरोसेप्टर्स. लो प्रेशर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द लो प्रेशर साइड स्पेशली द एट्रिया. समझा दिया मैंने आपको. हाई प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होंगे. दे आर द पैरोटिड, दे आर द बेरोसेप्टर्स प्रेजेंट इन कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये देखो, ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे लो प्रेशर रिसेप्टर्स थे, इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दी. ठीक है, हाई प्रेशर वाले जो बेरोसेप्टर्स हैं, बेरो का मतलब क्या होता है? प्रेशर. ठीक है, तो हाई प्रेशर बेरोसेप्टर्स हैं जो कि कैरोटिड साइनस, एओर्टिक साइनस एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में है, वो क्या जज कर रहे हैं? प्रेशर चेंज क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर का क्या चेंज हो रहा है. तो वो किस चीज को मेंटेन करेंगे? कि जैसे हम बैठ के उठे हैं, हमारी पेरिफेरल कूलिंग हो गई,
हमारा ब्लड प्रेशर का चेंज हो गया, तो उसको फटाफट फटाफट कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज तो ऐसा होगा कि जब भी हम लेट के उठेंगे हम गिर जाएंगे अगर ये बेरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो दे आर मैनेजिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, 42 लीटर्स है, हमने बात करी ली, 60% ऑफ द बॉडी वेट, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा है एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, एंड ये अपना प्लाज्मा 3 लीटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 11 लीटर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है 28 लीटर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए आपको, यू हैव नो नीड टू गो इनटू द नंबर्स, बस एक परसेंटेज आपको आइडिया होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन इज कॉमन एंड रैपिड इन चिल्ड्रन, पता ही है हमें, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द बॉडी वेट, रिलेटिव टू द बॉडी वेट, अपने रिलेटिव बात करनी है। इतनी सी बॉडी है तो उसमें जितना भी पानी है वो कम ही है, तो अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, उसको ज्यादा हीट में रखा जाएगा या उसको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन बच्चों में ज्यादा कॉमन रहेगी और एल्डरली में इसलिए क्योंकि एल्डरली में वाटर लॉस होता ही है। डिहाइड्रेशन नॉर्मली होती है क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, सब्क्यूटेनियस फैट कम होता जा रहा है, बॉडी कंपार्टमेंट अपने आप में श्रिंक करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 10% तो बॉडी वाटर उनमें कम ही होता है, तो अगर उनमें फिर कोई वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो गया तो ओल्ड एज में भी डिहाइड्रेशन ज्यादा कॉमन। So ratio of extracellular volume to intracellular is larger in infants and children than in adults. However, total volume is much smaller. In addition, regulatory mechanism is also not well developed. जो regulatory mechanisms हैं, ADH की secretion, osmoreceptors की working, ये सब 7 years के बाद normal level पे आते हैं। 0 to 5 years जो होता है, वो बच्चा उसमें कोई भी regulatory mechanism अच्छे से develop नहीं होता। 7 साल तक थोड़ा-थोड़ा develop होना शुरू होता है। After 7 years, most of the regulatory mechanisms are developed to quite a good extent. ठीक है? And then adult age, so obviously 14 के बाद तो it is very well developed. इसलिए उसके accordingly क्या होती है? Medicines prescribed. ठीक है? Intracellular fluid compartment is a fluid which is contained within the cells. It constitutes 2/3. It cannot be measured directly. Quite clear है? भई extracellular को तो हम जो cells के बाहर है उसको तो हम measure कर सकते हैं। इंटरसेलुलर हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसको तो हमें यही करना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर को मेजर करो और टोटल बॉडी वाटर जो हमें ऑलरेडी पता है कि इतना है उसमें से आप एक्स्ट्रा सेलुलर को माइनस कर लो तो वो आपका इंटरसेलुलर वॉल्यूम है। ट्रांससेलुलर विच इज प्रेजेंट इन कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, कौन से कंपार्टमेंट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइन और उधर अपने कॉर्ड में, प्लूरल, पेरिटोनियल, साइनोवियल, पेरिकार्डियल, इंट्रा ऑक्युलर, ठीक है, ये सारे आपके ट्रांससेलुलर है विच इज अबाउट 1 to 2 liters। मेजरमेंट कैसे करनी है, टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ट्रांससेलुलर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांससेलुलर पे इतना सोचो ही मत क्योंकि है ही 1 to 2 liters, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ये नॉर्मल प्रिंसिपल है, सी इज ए ओवर बी, ए क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंजेक्टेड इंट्रावीनियसली, बी इज द वॉल्यूम इन विच द सब्सटेंस इज इंजेक्टेड। क्या कहना चाह रहा है ये, आपने कैसे मेजर करना है, आप कोई ऐसा डाई एड ऑन करोगे, इंजेक्ट करोगे जो कि पूरे फ्लूइड कंपार्टमेंट में फैल जाएगा, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, तो जितना डाई जितने एरिया में स्प्रेड हुआ है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, आपने बाई चांस 10 लीटर डाई इंजेक्ट किया है, 10 लीटर पूरी बॉडी में आ गया है, तो 10 लीटर है, बहुत सिंपल है। अब इस इंडिकेटर इस डाई के क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटिवली इजी टू मेजर, आराम से पता लगना चाहिए कि हाँ, मतलब दिखना चाहिए, बेसिकली कलरफुल होना चाहिए या दिखना चाहिए क्योंकि पानी इस ट्रांसपेरेंट, देन शुड रिमेन इन द कंपार्टमेंट बींग मेजर्ड, हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मेजर करना है तो सेल्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उसका मॉलिकुलर वेट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कैरियर उसको सेल के अंदर ना लेके जाए, ठीक है, बाहर ही रहे। शुड नॉट चेंज द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंपार्टमेंट बीइंग मेजर्ड, भाई उसकी खुद की अगर बाई चांस ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, पीएच उसका ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पानी को खींचेगा सेल के अंदर से बाहर को, तो ऐसा एक्टिव नहीं चाहिए हमें, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस ही चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, ना पानी को बढ़ाए ना कम करे, कुछ नहीं, शांति से बैठा रहे, दिखना चाहिए कि ये इसका कलर है,
पूरी कंपार्टमेंट के वॉल्यूम को इधर उधर कुछ भी ना शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, और जिस कंपार्टमेंट में रहना है उसी में रहना, शुड बी नॉन टॉक्सिक, ऑब्वियसली टॉक्सिक होगा तो पॉइजनिंग ही होगी, मस्ट मिक्स इवनली थ्रू आउट द कंपार्टमेंट की मेजर, क्लियर है, ऑब्वियसली इवनली मेजर, पता लगे कि कहीं जाके वो चिपक रहा है प्लेटलेट्स के आसपास ज्यादा हो रहा है और आरबीसी से वो रिपेल हो रहा है तो क्या फायदा होगा, तो इट शुड मिक्स इवनली, शुड रिमेन अनचेंज्ड बाय द बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है, जो भी अंदर गया उसको ब्रेक डाउन करो, अगर एनर्जी सोर्स है तो उससे एनर्जी निकाल लो, अगर एनर्जी सोर्स नहीं है तो उसको वेस्ट में बना के फेंको, बॉडी का काम तो यही है ना, तो कोई भी सब्सटेंस अंदर जाए तो वो किसी तरीके का भी उसका मेटाबॉलिज्म ना हो, तभी तो हम देख पाएंगे कि ये सब्सटेंस कितना, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी तरीके की कोई चेंज ना करे, इनर्ट हो, खुद मेटाबोलाइज ना हो, ठीक है, किसी भी टेस्ट की यही 5-6 रिक्वायरमेंट होती है डाई, चाहे वो डाई हम कहीं कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं, फिलोपियन ट्यूब को स्टडी कर रहे हैं या हम कोई मतलब हमने तो फिलोपियन ट्यूब भी ध्यान आती है कोई भी आपने स्टडी करनी है फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो उसकी डाई का यही 1-5-6 क्वालिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या है, साइज ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय इंजेक्टिंग अ सब्सटेंस एंड देन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच द टेस्ट सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपने इंजेक्ट किया और देख लिया कि वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजेक्टेड सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द अमाउंट इंजेक्टेड डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर बाय चांस वो थोड़ा बहुत रिमूव होता है कि हमारी किडनी उसको थोड़ा बहुत रिमूव करेगी तो भी कोई इशू नहीं है, यूरिन में कितना आया है वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कितना हमने इंजेक्ट किया वो हमें पता है, तो कितना इंजेक्ट किया माइनस यूरिन में कितना आया उतना अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो अमाउंट इंजेक्टेड माइनस द अमाउंट रिमूव्ड ओवर द फाइनल कैलकुलेशन, क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला आता है अगर उसका थोड़ा एक्सक्रीशन हो गया है, एक्सक्रीट तो होना ही है अल्टीमेटली, पर इमीडिएटली कितना एक्सक्रीट हो रहा है, अल्टीमेटली तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू द यूरिन इन 24 आवर्स, बट इमीडिएटली विद इन 1 आवर कितना एक्सक्रीट हो रहा है, वी कैन सी इट इन द यूरिन। तो कैसे मेजर करते हैं, रेडियो एक्टिव इनुलिन, तो रेडियो एक्टिव इनुलिन ऐसा प्रोडक्ट है जो इनर्ट रहेगा, जिसको स्टडी किया जा सकता है, जो किसी तरीके की कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव इनुलिन ऑल्सो क्लोराइड ब्रोमाइड मैनिटॉल सुक्रोज, क्लोराइड ब्रोमाइड मैनिटॉल सुक्रोज जो है ना ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में भी होते हैं, इसलिए इनका उतना ज्यादा करेक्ट आंसर करेक्ट वैल्यूज नहीं हमें पता लगती इनसे, रेडियो एक्टिव एनुलिन से करेक्ट वैल्यू पता लग जाती है। क्लोराइड इज लार्जली एक्स्ट्रा सेलुलर, हाउएवर इसलिए वॉल्यूम डिटरमिन्ड बाय क्लोराइड इज ग्रेटर देन एक्चुअल बिकॉज सम क्लोराइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर, ठीक है, मैनिटॉल एंड सुक्रोज ऑल्सो आर यूज्ड। मेथड क्या है, ये बेटा डाइस के नाम है जो सोचो देम एवांस ब्लू डाई रेडियो आयोडिनेटेड ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन रेडियो आयोडिनेटेड गामा ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजन ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर रहते हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स हैं जो गो इनसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए हम इनको यूज करते हैं। सेकेंड मेथड रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस आयरन क्रोमियम, ठीक है, पीसीबी अपन बात में करेंगे, जब ब्लड पढ़ोगे तो पीसीबी अच्छे से पढ़ोगे तब ये चीज और पता लग जाएगी आपको। इंटरस्टीशियल कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम, इंटरसेलुलर डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रासेलुलर मेजर करोगे और फिर उससे टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर दोगे, तो टोटल बॉडी वाटर के लिए क्या यूज करते हैं हम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यू, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हैवी वाटर इज यूज्ड टू डिटरमिन द टोटल बॉडी वाटर, ऑल्सो ट्यूटेरियम ऑक्साइड एंड अमाइनो पाइरेट, ये दो चार जो नाम है ना ये याद रख लेना क्योंकि एमसीक्यू से पूछे जाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा यूज किया रेडियो एक्टिव इनुलिन, टोटल बॉडी वाटर के लिए कौन सा यूज किया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी आयन डिस्ट्रीब्यूशन बताई है ये हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज इट।